आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ खास ऐसे टिप्स आपके मसालेदानी के लिए, स्पाइस बॉक्स के लिए। मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल है, स्टील का हो या फिर प्लास्टिक का हो, उड़न का हो। हमें किस तरह का स्पाइस बॉक्स चूज़ करना चाहिए, किस तरह का स्पून यूज़ करना चाहिए और उसको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए, ये कुछ खास टिप्स हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे किस तरह का मसालेदानी हमें चुनना चाहिए। दोस्तों, कभी भी आप उड़न स्पाइस बॉक्स ना लें, क्योंकि एक तो ये एयरटाइट भी नहीं होते, साथ में ये मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ लेती है। उड़न स्पाइस बॉक्स देखने में काफ़ी ट्रेंडी भी लगती है और सुंदर भी, पर यूज़ करते करते इसमें दाग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप इजीली धो भी नहीं सकते, साथ में हल्दी या कुछ और मसाले का दाग लग सकती है, तब तो ये बहुत ही गंदा लगेगा। जैसे कि मैंने बताया, ये एयरटाइट नहीं होते, उस वजह से जो भी हम मसाले रखते हैं, चाहो तो आप खड़े मसाले रखें या फिर पाउडर वाले, उसमें नमी तो आ ही जाती है, तो बेटर उड़न बॉक्स को अवॉइड ही करें। नेक्स्ट जो बात करते हैं प्लास्टिक की, ये देखने में काफ़ी सुंदर भी होते हैं और काफ़ी लाइट वेट है और इजी मेंटेनेंस है, बट इसमें भी यूज़ करते करते आगे जाके हल्दी वगैरह का दाग तो लग ही जाती है, बट फिर भी मेरे हिसाब से तो प्लास्टिक जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो 24 आवर्स उसी में रहते हैं, तो इसलिए बेटर प्लास्टिक का अवॉइड ही करें, भले ही जितना भी अच्छे क्वालिटी का। ऐसे डिज़ाइनर स्पाइस बॉक्स भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, पर शुरू के 1-2 साल में बहुत अच्छे लगता है, बट बाद में धीरे धीरे वो डिज़ाइन के अंदर जब मैल जमने लगती है या तेल हो या फिर स्पाइस बैठ जाती है, तो साफ करना बहुत ही दिक्कत होती है। ये रफ एंड टफ नहीं होते। ऐसे में फ्रेंड्स, अभी तक आपके मन में आ गया होगा कि तो फिर लेना हो तो किस तरह का ले। मेरे हिसाब से तो ऐसे स्टील के जो आते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं, क्योंकि एक तो एयरटाइट भी है, लाइट वेट भी और ईजी टू मेंटेन है। बस आप वाइप कर दीजिए बाहर, इवन पानी से भी धो सकते हैं, अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगी। नेक्स्ट टिप ये है कि कभी भी आप स्पाइसेस को 3/4 से ज़्यादा ना भरें, क्योंकि जितना ज़्यादा डालेंगे उतना गिरने का चांसेस होता है, रखते टाइम हो या गलती से हाथ लग गई, तो याद रखें नेक्स्ट टाइम से स्पाइसेस हमेशा 3/4 ही भरें। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। स्पाइस बॉक्स के साथ एक छोटी स्पून तो आ ही रहती है, आपको तो पता है, तो कोशिश करें उसी साइज़ के सारे स्पून्स ले, और हर एक स्पाइस के लिए अलग अलग स्पून रखना बेटर होती है, वरना एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे छोटा स्पून ही यूज़ करें और प्लास्टिक का प्लीज़ अवॉइड करें। स्पाइस बॉक्स में याद रखिए कभी भी नमक ना रखें, काफ़ी लोग रखते हो आदत की वजह से, पर उससे नमी बहुत जल्दी आती है, साथ ही में हमारे मसालेदानी जंग लग सकती है। मसालेदानी में हर बार ऐसे मसाले गिरे रहते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है, टाइम टेकिंग है। उसको अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही इजी टिप है मेरे पास, इसका DIY मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ऐसे कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा, फिर उसके ऊपर हम रखेंगे अपना स्पाइस बॉक्स, फिर एक पेन के मदद से हम पूरा उसको पहले मार करके फिर उसको काट लेंगे। ऐसे आप 2-4 बना के रख सकते हैं, तो एक धोने डालेंगे तो दूसरा यूज़ होगा। जैसे काटना हो जाती है, इसको हम स्पाइस बॉक्स के नीचे डाल देते पहले, फिर इसके ऊपर सारे मसाले के जो भी कटोरिया है वो सब रख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी अगर कुछ स्पिल होती है तो उसी कपड़े के ऊपर गिरेगी और आपका मसालेदानी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब भी आप इसको चेंज करना चाहते हैं, हर 15 डेज़ वंस हो या फिर मंथली वंस, आप बस को उठा दीजिए धीरे से, आप देख सकते हैं स्पाइस बॉक्स कितना नीट एंड क्लीन है। फिर ऐसे ही दूसरा पीस अंदर रख दीजिए और सारे बाउल्स को वापस रख दीजिए। है ना ये सुपर टिप, आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये टिप बहुत ही काम आने वाली है और काफ़ी अच्छा भी लगती है ना। आप भी इस हैक को ट्राई करिए और एक ऐसे यूज़फुल वीडियो लेके मैं फिर आती हूँ। तब तक खाओ, पियो और मज़े करो।